नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, आज जो है रात में आप सभी के चहेते तमाम भोजपुरिया जो कलाकार हैं वो एक साथ एक मंच पर दिखने वाले हैं और वो है भोजपुरी सिनेमा अवार्ड। जैसा कि आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा अवार्ड शो होने वाला है, जिसमें तमाम भोजपुरिया दिग्गज जो है वो आप सभी को मौजूद हैं वहाँ पर होने वाले हैं। और भोजपुरी का स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें खेसारी लाल यादव के साथ मनोज तिवारी नजर आने वाले हैं, इसके अलावा रवि किशन नजर आने वाले हैं, इसके अलावा गोविंदा भी नजर आने वाले हैं। और आपको मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया था कि जैसे जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ साथ जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ भी दिखते नजर आ रहे हैं, अखिलेश कश्यप, तो तमाम कलाकारों की तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सामने आने लगी है। लेकिन ये मंच अपने आप में एक और खूबसूरत पल भी देने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के कई सारे विरोधी होते हैं उनका भी सामना आज उनके साथ होने वाला है। और आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पवन पांडे जो राइटर है खेसारी लाल यादव के, वो भी पहुंच चुके हैं और वो भी तस्वीरें साझा किए हुए हैं। अंजना सिंह नजर आ रही हैं, इसके अलावा खेसारी लाल यादव हैं, पवन पांडे हैं, अंकुश राजा जो है वो नजर आ रहे हैं, साथ में यश मिश्रा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो खेसारी लाल यादव के विरोधी के तौर पर जाने जाते हैं प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू और खेसारी लाल यादव का जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है, वो अक्सर चर्चा में रहता है। तो प्रदीप पांडे चिंटू भी कोलकाता पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है कि बेशक ये पहला ऐसा होगा विवाद के बाद कि पहली बार खेसारी लाल यादव और प्रदीप पांडे चिंटू आमने सामने होने वाले हैं। और पांडे ने तस्वीर भी साझा की है चिंटू पांडे के साथ। इसके अलावा रत्नाकर कुमार भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और भी तमाम कलाकारों का वहाँ पर जमावड़ा लगने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात और देखने वाली ये होगी कि खेसारी लाल यादव का जब प्रदीप पांडे चिंटू से आमना सामना होता है तो किस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं सामने आती है। बाकी इस तस्वीर को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।